हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आप योमी से हेडशॉट नहीं मार पाते? क्या आप जब भी हेडशॉट मारते हो तब गोलियां रिकॉइल हो जाती है? तो चिंता मत करो, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। इस वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूएमपी से सारी की सारी गोलियां हेडपैक कनेक्ट कर सकते हो काफ़ी इजीली। गाइस, आपको पता ही होगा यूएमपी यार बहुत ही अनस्टेबल गन है, इसकी सारी गोलियां रिकॉइल हो जाती है, ठीक है। और आपने बहुत सारे बंदों को देखा भी होगा वीडियोज़ में कि कैसे वो सारी की सारी गोलियां हेडपैक कनेक्ट कर देते हैं, वो भी यूएमपी से, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही कमाल की ट्रिक होने वाली है। साथ ही थोड़े टिप्स दूंगा, ओके। और साथ ही गाइस, आपको मैं कैरेक्टर स्किल भी बताने वाला हूँ कौन सी यूज़ कर रहे थे सारी गोलियां हेड करना होगी, और स्किन भी बता ही दूंगा, ठीक है। विदाउट स्किन भी बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम स्किन की बात कर लेते हैं। वैसे तो गाइस पूरी वीडियो में मैं विदाउट स्किन कंपैरिजन करने वाला हूँ, हर एक चीज़ विदाउट स्किन बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको यूज़ करना ही है स्किन, तो गाइस ये डबल रेट ऑफ फायर वाली यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये डबल डैमेज वाली भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा डबल रेट ऑफ फायर हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन हो तो गाइस काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, आप कोशिश करके डबल रेट ऑफ फायर वाली यूज़ करो, ठीक है। और जिनके पास स्किन नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इस वीडियो में मैं विदाउट स्किन ही करने वाला हूँ हर एक चीज़, ठीक है। हर एक चीज़ विदाउट स्किन बताने वाला हूँ, तो अब यार वीडियो को ध्यान से देखो गाइस, ठीक है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे देखो, अब एडम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब एडम ले लिया मैंने, अब मैं देखो ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैंने हेड पे एम कर लिया, ध्यान से देखो गाइस यहाँ पे, ठीक है। हेड पे एम कर लिया, अब सारी गोलियाँ मैं इसको फायर कर दूंगा, ठीक है। हेड पे कितनी कनेक्ट होगी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी की सारी गोलियाँ फायर कर दी है, और 42 गोलियाँ जो थी वो 21 गोलियाँ कनेक्ट हुई, ठीक है। 42 में से 21 गोलियाँ एक्यूरेटली कनेक्ट हुई, ये याद रखना गाइस, नंबर्स जो बोल रहा हूँ वो याद रखना, ओके। एडम लेके ये हुआ है, एडम में कोई स्किल नहीं होती, आपको पता होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने वाले करेक्टर्स की, ठीक है। तो जो हमारे एक्यूरेसी बढ़ाने में, देखो गाइस ये डीबी का नाम आता है, लेकिन डीबी क्या करता है, अगर आप मूवमेंट करते करते फायर करते हो ना, मूवमेंट करते करते मतलब कि ड्रैग कर करके चलते हैं, लेफ्ट राइट चल के, या फिर कहीं भी आगे पीछे चल के अगर फायर करोगे तभी ये एक्यूरेसी बढ़ाता है। तो गाइस यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें मूवमेंट करके फायर नहीं करना है, यूएमपी में हमें स्टेबल खड़े रह के ड्रैग करना है और ड्रैग करके हेड पे मारना है, ओके। मूवमेंट नहीं करना होता इसमें, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, ओके। अब हम बढ़ते हैं कि कौन सा करेक्टर यूज़ आएगा यहाँ पे, किसका यूज़ है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दशा, गाइस दशा तो क्या करती है, देखो पहले तो यार फॉल होते हैं मतलब गिरते हैं तो 50% रिड्यूस करती है, 80% रिकवरी करती है, ठीक है। उसके अलावा गाइस 10% तक ये मतलब रिकॉइल को कम कर देती है, ओके। तो यहाँ पे हम दशा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस दशा का यूज़ करके अब देख लेते हैं कि कितनी गोलियाँ कनेक्ट होती है। गाइस एकदम से तो एक्यूरेसी नहीं बढ़ा देगी दशा, लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्प करेगी आपको ये कैरेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सारी गोलियाँ फायर कर दी है, ठीक है। और कितनी कनेक्ट हुई यहाँ पे देख सकते हो, 24 गोलियाँ एक्यूरेटली कनेक्ट हुई, ठीक है, ओके। और थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है गाइस हर बार। तो अब देखो फिर से एडम लेके आ गया हूँ मैं, इस बार हम स्कोप खोल के ट्राई करने वाले हैं, ओके। और स्कोप खोल के मैंने ट्राई किया और देख सकते हो कि सारी की सारी गोलियाँ फायर कर दी और 25 गोलियाँ कनेक्ट हुई एक्यूरेटली स्कोप खोल के, ठीक है, 42 में से, ओके। सो गाइस यहाँ पे अब मैं लोरा करेक्टर ले रहा हूँ, लोरा की एबिलिटी होती है 35% तक एक्यूरेसी को बढ़ा देती है अगर आप स्कोप खोल के फायर करोगे तो, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे यूएमपी में इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं है लोरा का, लेकिन फिर भी आप लोरा रख सकते हो अगर आप स्कोप खोल के फायर करना चाहते हो तो, ठीक है। अब जब भी स्कोप खोल के फायर करोगे मिड रेंज में, तो गाइस ये काफ़ी एक्यूरेट होगी, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 29 गोलियाँ इसने कनेक्ट कर ली है, इसलिए लोरा भी काफ़ी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर देती है स्कोप खोल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप दशा के साथ लोरा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतना प्रेफर नहीं करूँगा मैं, लोरा को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके जगह दशा रखो, दशा काफ़ी कंपलसरी यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस अब जो अब नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप क्या मिस्टेक करते हो गाइस, कि जब भी आप फायर करते हो तो गाइस एम को पहले बंदे के बॉडी पे ले जाते हो फिर ड्रैग करना स्टार्ट करते हो। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एम होता है वो बंदे के बॉडी पे ही चिपक जाता है और ड्रैग होता ही नहीं है, ठीक है। ड्रैग होता भी है तो गाइस हेड कनेक्ट नहीं होता और रिकॉइल होने लगता है। तो गाइस कोशिश करके पहला आपको क्या करना है, बॉडी पे एम कभी नहीं ले जाना है, या तो बंदे के लेफ्ट में एम रखना है या तो राइट में रखना है एम, ठीक है। और आप जब भी ड्रैग कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट करो या फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ड्रैग करना है, ठीक है। कभी भी ये सीधे ड्रैग नहीं करना यूएमपी में, जैसे रोटेशन हेडशॉट मारते हैं ना वैसे ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो ये आपको कभी नहीं करनी है, ओके। अब जो करना कैसे वो बता दूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस बंदे के राइट में मैंने एम रखा, बंदा जैसे ही दिखा वैसे ही मैंने राइट टू लेफ्ट ड्रैग कर दिया और रोटेशन ड्रैग किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सारी गोलियाँ हेड कनेक्ट हुई है। यूएमपी में क्या होता है एम चिपक जाता है, इसलिए आपको रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा ताकि एम ना चिपके। अब यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे सामने बंदा दिखा, यहाँ पे राइट में एम रखा मैंने, अब राइट टू लेफ्ट मैंने रोटेशन ड्रैग किया, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट ड्रैग किया, इससे क्या होगा, इसकी हेड पे डायरेक्ट जो पहली गोली होती है ना वही डायरेक्ट हेड पे चली जाती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी एडवांटेज होता है। अब आपको ड्रैग करना कैसे हुआ मैं देख लो, तो जैसे आपने रोटेशन वन टैप सुना होगा वैसे यहाँ पे रोटेशन ड्रैग करना, ठीक है। मतलब कि पूरा यू टाइप का बनाना है आपको, यू जो फायर बटन है उससे यू बनाना है, यू शेप बनाना है, समझ रहे हो ना।
सो होप गाइस आप समझ रहे होंगे कैसे करना है यार, ठीक है। आपको जब भी फायर कर रहे हो तो गाइस या तो आपको पहले तो लेफ्ट राइट मूव करना है, ठीक है, मतलब कि बंदे के सामने खड़े नहीं हो जाना है और एम को कभी भी बंदे के ऊपर नहीं ले जाना है पहले, ठीक है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद गाइस एम को बंदे के ऊपर नहीं ले जाना, तो ले कहाँ पे जाना है, तो गाइस आपको हमेशा बंदे के या तो लेफ्ट में एम रखना है या तो राइट में रखना है, ठीक है। और ड्रैग करना है तो या तो लेफ्ट टू राइट ड्रैग करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्रॉस में ड्रैग करना है या तो राइट टू लेफ्ट क्रॉस में ड्रैग करना है। और रोटेशन ड्रैग करना है ताकि बंदे के बॉडी पे एम चिपके नहीं और सारी की सारी गोली हेड पे कनेक्ट हो। देख सकते हो जितनी बार भी मैं फायर करूंगा हमेशा गाइस मैं रोटेशन ड्रैग करता हूँ ताकि सारी गोलियां हेड पे कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये थे आज के सारे पॉइंट गाइस, आई होप समझ गए होंगे कैसे आपको यूएमपी से हेडशॉट मारना है। और भी कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आपको बाइक वालों से बचने की कोई ट्रिक चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करना है। आजकल पता है ना बाइक का यार बहुत चल रहा है रैंक गेम में, ठीक है, बाइक लेके कोई भी यार घुस जाता है मार देता है। वैसे इस पे मैंने ही वीडियो बनाया था एक, वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, आपको यार चैनल पे मिल जाएगा आराम से और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस उस वीडियो में, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको। सो गाइस एग्जाम चल रही थी यार इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, वैसे अभी भी एग्जाम चल रही है पर बीच में थोड़ी छुट्टी मिले तो मैंने सोचा वीडियोस बना लूँ, ठीक है। तो गाइस ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कर देना। और जो बैकग्राउंड में एक बैंटन की गेम देख रहे हो, तो गाइस अगर आप एक बैंटन फैन हो, ठीक है, बचपन में आपने बैंटन देखा होगा, तो अगर आप बैंटन फैन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मैं इस टाइप की भी गेम प्ले की वीडियो डालूँ या नहीं, ठीक है। तो गाइस जो बैंटन की बहुत सारी गेम्स मैंने रखी है अपने पास ताकि मैं वीडियोस डाल पाऊँ, लेकिन फीफर से टाइम नहीं मिलता इसलिए इसकी वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। तो गाइस अगर आपको चाहिए बैंटन की गेम्स और डाउनलोड करने का ट्रिक कैसे आपको डाउनलोड करना है, गाइस बहुत सारी गेम्स बता सकता हूँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट करना जो भी गेम की ट्रिक चाहिए बैंटन की, ठीक है। गाइस बहुत सारी गेम्स है मेरे पास और इसका गेम प्ले चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।